हमारे सभी वरिष्ठ परिजनों, हमारे गायत्री चंद्र केंद्र के व्यवस्थापक और यहाँ के जोन के पूरा काम देखने वाले श्री आर एन सिंह भाई साहब, प्रदीप राव जी भाई साहब हमारे जो जोनल प्रभारी हैं शांति कुंज से, और साथ ही हमारे दिनेश जी भाई साहब, अपने सुशील जी भाई साहब और सभी हमारे मनीष जी के सभी जितने भी युवा साथी हैं। एक बड़ा ही आयोजन हम लोगों के कंधे पर आया हुआ है, एक बड़ी जिम्मेवारी आई हुई है और विगत वर्षों का जो अनुभव है तो उससे ये हमें आभास है कि हम इसको अच्छी तरह से कर जाएंगे। लेकिन क्या है कि किसी भी बड़े प्रोग्राम में छोटी चूक भी बहुत बड़ी चूक हो जाती है कभी कभी, इसलिए हम लोगों को इस पर हमेशा ही फोकस करना है कि कहीं छोटी सी भी त्रुटि ना हो, क्योंकि हम लोग जिनको बुलाने वाले हैं, जिनके बीच में हमारा काम हो रहा है, तो बड़े इनर्जेटिक एक एक लोग बड़े ही महत्वपूर्ण लोग हैं और ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। सामान्य प्रोग्रामों में और इस प्रोग्राम में बहुत अंतर है। धार्मिक लोग आते हैं, श्रद्धा से लोग आते हैं, वहाँ पर चूक भी हो जाए तो लोग श्रद्धा से सुन करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ वैसे लोग नहीं आएंगे जो बिल्कुल एकदम श्रद्धा से आ रहे हैं। ऐसे भी लोग आएंगे जो जिज्ञासा से आ रहे हैं, ऐसे भी लोग आएंगे जिनकी इच्छा भी नहीं है ये देखने की, वजह होता क्या है ये तो देख के आ जाए, ऐसे भी लोग आएंगे। तो सब तरह के लोगों के बीच में जिस तरह का हमारा कार्यक्रम है, और चूंकि परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब और हमारे आदरणीय श्री चिन्मय जी भाई साहब ये भी उपस्थित हैं और कई विभूतियाँ भी इसमें उपस्थित होने जा रही हैं, उनके बीच में भी हमारा एक महत्वपूर्ण एक परिचय होगा और जिनको टारगेट बना करके हम लोग लगे हुए हैं वो भी हमारे यहाँ की, ये कहा जा सकता है वो भी विभूतियाँ ही आगे बनने वाली हैं और नए लोग हैं, हो सकता है दोबारा कभी प्रोग्राम में आपके आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आप जो उनको एक मैसेज दे जाएंगे, आप जो उनके हृदय में बैठा जाएंगे वो आगे जीवन भर उनके काम आएगा। कभी भी कहीं से किसी भी प्रकार का कोई मैसेज इस संबंधित आएगा तो तुरंत समझ लें, अच्छा गायत्री पर हम जानते हैं, वहां हमने प्रोग्राम अटेंड किया हुआ है। तो वो एक बड़ी जिम्मेवारी हम लोगों के कंधे पर है और हमको उसको करना है। परिस्थितियां भी थोड़ी प्रतिकूल है, अभी थोड़े दिनों पहले एक स्वाट कुंडली यज्ञ यहीं पे हो चुका है गांधीनगर में और अप्रैल में होने वाला है उधर, क्या नाम है आपसे, प्रेमनगर में, किराड़ी में, तो हमारे कार्यकर्ता ज्यादातर वहीं इन्वॉल्व है। आज भी मीटिंग में ज्यादा लोग वहां आएंगे, मीटिंग जबकि यहाँ भी रखी गई है पर चूंकि आपसी तालमेल है, आपसी एडजस्टमेंट है लोगों का, तो उधर ज्यादा लोग गए हुए। यज्ञ के प्रति वैसे भी लोगों की सहज ही वो रहती है, श्रद्धा भावना भी ज्यादा ही रहती है, वहां पर आकर्षण भी ज्यादा रहता है, तो वहां पे ज्यादा लोग गए हुए। लेकिन जितने भी लोग हैं सब आप लोग महत्वपूर्ण हैं, कोई कम नहीं है, आपकी योग्यता क्षमता में कहीं कोई कमी नहीं है। बस ये है कि काम को हम एक चैनल से, एक सिस्टम से, एक होकर के, एक मन बना करके, समूह मन बना करके, सब मिल करके योजनाएं बनाएं और उसको पूरी ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करें। जो निर्देश मिल जाए उसमें किंतु परंतु का सवाल थोड़ा कम करें। सैनिक जो होता है ना, सैनिक को जो आदेश मिल जाता है ना, फिर वो अपना दिमाग आगे नहीं लगाता है, आगे तो इम्प्लीमेंट में ही लगाता है। तो इम्प्लीमेंट में दिमाग ज्यादा लगाएं, इसमें दिमाग लगाने के लिए ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा रहता, ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा रहता, उसमें एनर्जी हमारी डाइवर्ट होती है, तो एनर्जी को डाइवर्ट न करें, एक ही क्षेत्र में लगाएं। जब हम इकट्ठा प्लानिंग के लिए बैठे तब सारे अपने दिमाग लगाएं, जब इम्प्लीमेंट के लिए हो जाए तब बाकी दिमाग बंद करके जो फाइनल डिसीजन हो गया है उसी पर सब लोग पूरी तरह से केंद्रित होकर काम करने के लिए जुट जाएं। ये बड़ा ही हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है। हम सब लोग जानते हैं ये काम जो हम कर रहे हैं ये भगवान का काम, ये महाकाल का काम है, और महाकाल के काम में जो उनके सहयोगी और सहचर बनते हैं उनके लिए भगवान निहाल करके जाते, धन्य करके जाते, पीढ़ियां अमर हो जाती, जन्म जन्मांतर धन्य हो जाते, ये ऐसा अवसर है। और ये जन्म भी हमारा धन्य हो जाए, चाहे वो भौतिक क्षेत्र में हो, पारिवारिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? आप जिनका काम करने जा रहे हैं वो महाकाल, महाकाल जो सर्वसमर्थ होता है, सारी पावर उसके पास होती है। कब? जब सामान्य परिस्थिति नहीं रहती तब। महाकाल का मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है तो सारी शक्तियां खत्म हो जाती है, लोकल सारे यूनिट राष्ट्रपति के अंडर में सिरे चले जाते हैं। इसमें अन्य देवी देवताओं की शक्तियां भी महाकाल में सन्निहित हो गई,
तो सारी चीजें एक जगह से चल रही है और वो है महाकाल। क्यों परिस्थितियां प्रतिकूल है? आज जितनी विपन्न परिस्थिति है, ऐसी विपन्न परिस्थिति तो शायद ही दुनिया में कभी आई हो। जितने भी वर्णन आते हैं या जितना हम लोग पढ़ते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं या सुनते हैं, इससे विपरीत परिस्थिति कभी भी शायद नहीं आई होगी जितनी आज की परिस्थिति। इतनी खराब परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं, रह रहे हैं। प्रकृति प्रदूषित है, वातावरण प्रदूषित है, खान पान प्रदूषित है, जीवन शैली प्रदूषित है, पूरा वातावरण ही चारों तरफ का विषाक्त बना हुआ है। और इस विषाक्त वातावरण को फिर से अच्छा बनाना है, ऐसा भगवान का संकल्प है, ऐसा महाकाल का संकल्प है। हम लोग कौन है? हम लोग वो है जो उनके सहयोगी और सहचर, उनके इस काम में सहयोग देने वाले, अपना योगदान देने वाले, समय दान, अंश दान, अपनी प्रतिभा, क्षमता, योग्यता, उसका एक अंश भगवान के काम में नियोजित करने वाले रीच वानर। हम लोगों की तुलना रीच वानरों से की जाती है। रीच वानरों से क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि भगवान का काम ऐसे लोग ही करते हैं, भगवान का काम रीच वानर ही करते हैं। ये वर्णन देखिए, जब रामचरितमानस का पूरा देखिए, जब वो हुई थी क्या धनुष यज्ञ हुआ था, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा उसमें इकट्ठे हुए थे, लेकिन जब युद्ध के लिए भगवान राम के साथ खड़े होने की बारी आई, कोई नहीं दिखे। तो कौन दिखे? वन में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, जिनको देश दुनिया का कुछ पता नहीं है, ऐसे लोग ही रावण के विरुद्ध खड़े हुए थे। अन्यथा किसी की हिम्मत नहीं थी खड़े होने की। भगवान पे भरोसा था उनको, लेकिन इतना भी भरोसा नहीं था कि रावण से जीत सकते। ऐसी परिस्थिति में भगवान के साथ आए, और भगवान का काम तो हो ही जाता है, भगवान का काम कभी रुकता नहीं है। क्योंकि जितनी भी दुनिया में है, शास्त्र कहते हैं कि जितनी भी दुनिया हम जानते हैं वो भगवान की शक्ति का 1% जानते हैं। जितनी आज तक खोज हुई, जितने शास्त्र जितने भी हमने पढ़े हैं, वो भगवान की शक्तियों का 1% है। 99% तो कोई भी नहीं जानता है। कितनी बड़ी सत्ता है, कितनी सर्वसमर्थ सत्ता है, तो उसके लिए दुनिया का कोई भी काम असंभव तो नहीं है। लेकिन हम लोगों को अपने साथ सहयोग क्यों ले रही है, क्यों हमें निहाल करना चाहती है? बस यही तो भगवान की लीला है कि जब परिस्थितियां विपन्न हो जाती हैं तो आते हैं और अपने साथ सहयोगी और सहचरों को भी लाती है और उनको खड़ा करती है, उनसे योगदान लेती है और उनको निहाल करती है, उनको धन्य बनाती है। तो हम लोगों को ये धन्य बनने का अवसर, हम लोगों को ये निहाल होने का अवसर, हम लोगों के जीवन को धन्य बनाने का अवसर है। देवी और सज्जनों, इस काम में जो जितनी शक्ति लगाएगा, जो जितना काम करेगा, उतना ही उसको मिलेगा, कई गुना मिलेगा। जितना वो सोच नहीं सकता है उतना मिलेगा। हमारे गायत्री द्वारा के जितने परिजन हैं, जो लोग आज भी काम कर रहे हैं, परिस्थितियों का कारण नहीं भी कर पा रहे होंगे, पर जितने भी लोग कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इतना उनको मिला हुआ है कि उसका 10% भी अगर चुका दें तो ये समझ लेंगे कि हमने कुछ किया। 10% भी चुका लें तो ये मानेंगे कि हमने कुछ किया, यानी कि उस ऋण से उऋण तो कोई भी नहीं हो सकता है। ऐसा हर कोई महसूस करता है, हर कोई अनुभव करता है। आप भी उस श्रेणी में पहुंच सकते हैं कि आप भी उस चीज को अनुभव कर सके। तो ये अवसर है, और प्लानिंग तो समय समय पर होती रहेगी, योजनाएं बनती रहेगी। महत्वपूर्ण ये है कि ये अवसर है, इस अवसर को चूकना नहीं है, और सबको तन मन धन से पूरी शक्ति नियोजित करके और इस काम को सफल बनाना है। काम कोई भी लाया हो, किसी ने किया हो, लेकिन है तो भगवान का काम, है तो महाकाल का काम। और महाकाल का काम फिर छोटा क्यों? अच्छे से ही होना चाहिए। हालांकि इसकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी, हम लोग अभी तक वहां नहीं पहुंच पाए, शायद अभी गुरुजी की इच्छा नहीं होगी। प्लान था विज्ञान भवन में करने का, लेकिन पिछले साल से भी प्लान चल रहा है, तो जब कभी भगवान की इच्छा होगी पूरी हो जाएगी। हमारी प्रयास हमारा है, इच्छा भगवान की, योजना भी भगवान की है, तो हमारा प्रयास तो चल रहा है, ये भी कम नहीं है। जहां हम कर रहे हैं वो भी कम नहीं है। मेन चीज तो प्लेटफॉर्म ही था, हमारा ये प्लेटफॉर्म भी खराब नहीं है, वो भी प्लेटफॉर्म अच्छा ही था, वो भी हो जाता तो अच्छा हो जाता। चलिए, परिस्थितियां ऐसी नहीं बन पाई, प्रयास तो किया गया, परिस्थितियां ऐसी नहीं बन पाई कि वहां पे संभव पाया। हो सकता है अगले कुछ वर्षों में हो, ये तो हमारा संकल्प है, हमारा करना है, तो करेंगे ही करेंगे आगे। लेकिन अभी जो हमारे पास सामने जिम्मेवारी है उसको अच्छी तरह से सफल बनाएंगे। हमारे प्रदीप राव जी भाई साहब बड़े अनुभवी हैं, युवाओं के बहुत बीच में बहुत काम किया है और बहुत सारे कार्यक्रमों को का संचालन भी किया है, तो उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप सबका मार्गदर्शन करें। हम ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपको